स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस चैनल study.com ऑन यूट्यूब पर। आज हम बात करने जा रहे हैं DLS सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2016 को लेकर के। इसके पिछले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी 2015 का बताया जा चुका है। तो अगर आप DLS सेकेंड सेमेस्टर में हैं और क्वेश्चन पेपर सर्च कर रहे हैं तो इसके पिछले वीडियो में वो क्वेश्चन पेपर 2015 का बताया जा चुका है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा यानी पेपर वन के 2016 के क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जिसमें से पहला है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें का पहला है आपका ऑब्जेक्टिव, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है या कथन है। इसमें का पहला ऑप्शन है टैगोर का, दूसरा है अरस्तु का, तीसरा है विवेकानंद का और चौथा है महात्मा गांधी का। दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। इसमें से पहला है मुक्त अधिगम, दूसरा है बाहरी अध्ययन, तीसरा है सह शिक्षा और चौथा है आपका पत्राचार शिक्षा। तीसरा ऑब्जेक्टिव है बौद्धकालीन शिक्षा में प्रबज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है। इसमें का पहला ऑप्शन है 8 वर्ष के, दूसरा है 10 वर्ष के, तीसरा है 12 वर्ष के और चौथा है 11 वर्ष के। ऑब्जेक्टिव 4 है आपका, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें का पहला ऑप्शन है सन 1940 में, दूसरा है सन 1937 में, तीसरा है सन 1950 में, चौथा है सन 1948 में। 5 ऑब्जेक्टिव है आपका, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है। इसमें का पहला है करके सीखना, दूसरा है खेल द्वारा सीखना, तीसरा है स्वानुभव द्वारा सीखना और चौथा है उपयुक्त सभी। ऑब्जेक्टिव 6 है आपका, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। इसमें का पहला है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है हस्तकला और चौथा है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें का पहला ऑप्शन है आपका फ्रॉबेल, दूसरा है रूसो, तीसरा है जॉन डीवी और चौथा है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, आपका क्वेश्चन 8 है, समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्ध समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है या कथन है। इसमें का पहला है एनिस का, दूसरा है लुइस किसबर्ग का, तीसरा है प्लेटो का और चौथा है आपका रायबर्न का। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है। इसमें का पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 48, दूसरा है अनुच्छेद 44, तीसरा है अनुच्छेद 45 और चौथा है अनुच्छेद 41। ऑब्जेक्टिव 10 है आपका, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। इसमें का पहला ऑप्शन है जीवन स्तर में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, दूसरा है सबको रोजगार देने के लिए, तीसरा है पाठ्यक्रम में विषय बढ़ाने के लिए और चौथा है आपका बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। ऑब्जेक्टिव 11 है आपका, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इसमें का पहला है 16 अप्रैल 1976 को, दूसरा है 10 मार्च 1975 को, तीसरा है 20 जनवरी 1980 को और जो है आपका चौथा है 9 सितंबर 1985 को। आपका ऑब्जेक्टिव 12 है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका 10 जून है पहला ऑप्शन, दूसरा है 4 जून, तीसरा है 5 जून और चौथा है आपका 8 जून। ऑब्जेक्टिव 13 है आपका, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें का पहला है आपका पास पड़ोस की, दूसरा ऑप्शन है परिवार की, तीसरा है मित्रों की, चौथा है आपका समाज की। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। इसमें का पहला है जातिवाद, दूसरा है प्रांतीयता, तीसरा है सांप्रदायिकता और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। 15 ऑब्जेक्टिव और लास्ट ऑब्जेक्टिव है आपका, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। इसमें का पहला है आपका अत्यधिक गरीबी, दूसरा है अशिक्षा, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि और चौथा है प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पर हो गए आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जो कि 1 नंबर के थे और 1 से 15 तक की टोटल क्वेश्चन थे। देखें ये अति लघुतरी प्रश्न, इसमें का 16 आपका है अति लघुतरी प्रश्न, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी।
क्वेश्चन नंबर 21 है, मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 24 है, जल प्रदूषण दूर करने के दो उपाय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बालिका शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, किन्हीं चार मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, जन संचार की चार यंत्रीकृत साधनों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, तो ये हो गए आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक एक नंबर के टोटल 15 क्वेश्चन थे। आगे देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि दो दो नंबर के हैं और टोटल 10 क्वेश्चन है। इसमें का 31 है, राष्ट्रीय जीवन शिक्षा के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। 32 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका व शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट करते हुए उनके शैक्षिक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, बाल श्रम के प्रमुख कारण एवं इनके निवारण के उपायों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, रेडियो धर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं तथा इससे क्या हानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर आपके जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल study.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।